जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो लेटर आ रहा है आप लोग के लिए, इसके लिए सॉरी, बट सभी के लिए गुड न्यूज है। जितना भी SSGD वाले हैं 2022 के लिए, सभी तैयार रहिए, ठीक ना। क्योंकि हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं है, हर चीज़ प्रूफ के साथ। हम आप लोग कोई कोई कमेंट कर रहे थे कि भाई फेक जानकारी देते हो। देखो भाई लोग, आप ही लोग जो भी हो, ठीक ना, आप मानते हैं कि स्टूडेंट हैं, ठीक ना, आप दे रहे हैं, बट हम उस दौर से एक बार नहीं 2018 से ही गुजर रहे हैं, ठीक ना। और हमको अभी तक जो है ना यूट्यूब से 0 रुपया भी नहीं मिला है कि हम उसको कमा लेंगे या वीडियो बना के दे देंगे ना। तो हम मतलब आपको फेक न्यूज़ देते रहेंगे और फेक बात जानकारी देते रहेंगे, ठीक ना। जो आप करोगे वही मेरे को मिलेगा, ठीक ना। अगर आप PT PST देगा दीजिएगा, हम भी PT PST देंगे आप लोग के साथ में। ऐसा नहीं 4-5 वीडियो बना देंगे, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, डिस डैट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हम एक भी वीडियो नहीं डाले हैं, देख लो। फिलहाल हम वीडियो लेके आ गए हैं तो, लेकिन मेरे पास प्रूफ है, ठीक ना। इसको तो आप लोग फेक नहीं बोलेंगे ना, इसको ये CRPF है या नहीं है, ठीक ना। उसके भी बाद जो अगर फेक लगता है तो ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड पड़ती है, ये भी तो CRPF की वेबसाइट है ना, ये भी आप फेक मानेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप देखिए, एक बार यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक ना। ये वाला पोर्टल जो है ना, ये रिक्वायरमेंट पोर्टल है यहाँ पे, और यही नोटिस आपको ये डाउनलोड करके फिर से डाउनलोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा उसमें भी फेक जानकारी देते हो। पहली बात तो फेक जानकारी मेरे पास आज तक हम कभी दिए ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और हम भी स्टूडेंट हैं, ठीक ना। ऐसा हमको कभी है ही नहीं कि हम वीडियो बना के चलो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कि मिल जाएगा हमको 10-5 हज़ार रुपया। आज तक हमको एक पैसा भी नहीं यूट्यूब से मिला है। और जो भी हम जेन्यून जानकारी आप लोग के लिए दिए हैं, जहाँ से भी हुआ है, ठीक ना, वो हम अपने तरफ से फुल कोशिश किए हैं ताकि आपको भी जानकारी सही मिले और हमको भी जानकारी सही मिले और हम भी जगह तक पहुँच पाएँ, बस यही किए हैं और कभी नहीं किए। चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, यहाँ पे बैक आ जाते हैं थोड़ा। ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, थोड़ा इसको हम ओपन कर लेते हैं दूसरा और में, ठीक ना, ताकि आपको अच्छा से उसमें हम कुछ समझा पाएं। वेट कर लीजिए थोड़ा। मेरा सिस्टम ये ड्रामा करने लगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिए प्लीज। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं थोड़ा क्या है बात इसमें। ये जो है ना आप लोग का रिजल्ट फिलहाल आएगा आपको 31 तारीख को, ठीक ना, यही इसमें बता रखा है कि 31 तारीख को रिजल्ट देगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक ना, ये 31 तारीख को रिजल्ट देगा। और 31 तारीख को कभी भी रिजल्ट आ सकता है आप लोग को। और इसका जो है ना, आपको जो PT PST का एडमिट कार्ड है वो आपको 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो जो भी आप लोग स्टडी ना मतलब सॉरी स्टडी बोल रहे हैं, आप लोग रनिंग ने स्टार्ट किया है, तो सबके लिए अलग अलग रनिंग का प्रकार रहता है, जो भी आप हो, ठीक ना, अपना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को और जानकारी दे दें कि जो भी इसका टाइम टेबल रहता है ना भर्ती का, चूँकि एग्ज़ाम SSC करवाता है, ठीक ना, बाकी जो भी काम होता है ना सब CRPF करवाता है। आप लोग ये भी बोलिएगा कि CRPF क्यों आया यहाँ पे, तो इसका सिर्फ सिर्फ जो है ना एग्ज़ाम SSC करवाती है, बाकी इसका जितना भी है SSC मतलब मेडिकल, मेडिकल फिजिकल जो भी होता है, हर इसका CRPF करवाता है। इवन कि रिजल्ट भी जारी CRPF ही करता है, बट उसको SSC के माध्यम से करता है, लेकिन इसका जो भी होता है ना मेरिट लिस्ट वगैरह सौंप देता है, तैयार करके SSC वाला को दे देता है, लो भाई अपना तुम हम जो भी तो हमको समझाया था हम आपको दे दिए, ये आप रख लो, ठीक ना, और वहाँ से SSC जारी करता है। तो आप लोग ये मतलब भरम में मत रहिएगा कि नहीं, और ध्यान रखिए एक चीज़, CRPF कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक ना, CRPF कभी झूठ नहीं बोलता है, जितना आता है वही करता है। तो आप लोग अपना तैयारी जो भी है 15 तारीख से
पहले आप अपना रनिंग इसमें। और एक चीज़ एडमिट कार्ड जी दोगा देगा ना आप लोग को लिए एडमिट कार्ड पे, यह नहीं कि 15 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको जिस पहला दिन जैसे 15 तारीख से या 20 जो भी हो 15 तारीख से जारी करेगा, तो इसमें समझ लीजिए कि 15 के बाद 1 अप्रैल से जो है ना, अप्रैल मई के 1 मई या 1 मई से पहला जो होगा 1 मई या 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में एडमिट का मतलब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी ये हाँ बहुत जल्दी एडमिट कार्ड का डेट ही है, ठीक है ना। 1 तारीख को आपको एडमिट कार्ड रहेगा और 31 तारीख को रिजल्ट, यहाँ पे नहीं क्लियर कर दिखा रहा है आपको, लेकिन 31 तारीख को रिजल्ट मतलब आज जो भी हो 2 या 1-2 दिन के बाद आपका रिजल्ट कन्फर्म आ जाएगा, कन्फर्म रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी अपना तैयारी करके पूरा मजबूती से चले जाइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा रनिंग किस प्रकार से करना है, तो हम प्रयास करेंगे उस पर भी वीडियो लाने का, ठीक है ना। क्योंकि रनिंग करना देखिए सबका अलग अलग रहता है, कुछ भी हो, लेकिन मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से रनिंग किए हैं, किस प्रकार से 2-2 बार क्वालिफाई हुए हैं, तो ऐसे चलते रहता है। तो आप लोग जो भी हो ये आपको हम जानकारी दे दिए, आप लोग कोई सोयर नहीं रहिएगा। जो भी हो जिसको इसमें भर्ती में जाना है अपना, प्लीज़ आप लोग रनिंग कीजिए अच्छा से। रनिंग जिसका जो भी हो अपना, बाद में वीडियो हम आपको अगर कमेंट कीजिए बना देंगे। फिलहाल हमारे पास यही था कि आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो था, आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे हम बोलते नहीं हैं। अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी घटिया कमेंट मत कीजिए जिससे पढ़ के दिल दुखे, ठीक है ना। ऐसे हम वीडियो बनाते नहीं, बस आप लोग के लिए जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी टाइम देख रहे हो ना, यहाँ पे टाइम देख लीजिए ताकि आप लोग को लगे मेरा नींद खुला था, हम सोचे क्यों नहीं वीडियो डाल देते हैं बना के ही, ताकि आप देखो सर भाई यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, चूंकि हमको हट होता है गलत कमेंट से, ठीक ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उस वीडियो पर हम टॉपिक पर लाते रहेंगे। कोई भी कमेंट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टॉपिक पर लाते रहेंगे। दरअसल आपको थोड़ा सा बता दें, हम बिजी रहते हैं दिन भर, चूँकि लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ पर जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो मतलब टाइम नहीं मिलता। फिर भी हम वहाँ पर ऑफिस लाइब्रेरी वाला से हमको जान पहचान है, तो वहाँ पे हम अपना स्टडी और दूसरा ऑफिस में आके वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो था आप लोग के लिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से बता रहे कि ऐसा CRPF को कभी हल्का में मत लीजिएगा, अपना जो भी है आदमी अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चूँकि कटअप वगैरह सब बाद में